Assalamualaikum, welcome back to my channel with another new vlog. It's me है किरण बेस from Saudi Arabia. So आज का vlog हम लोगों ने कर लिया start. सुबह सुबह का time है और उबैद का नाश्ता मैं बना के free हो चुकी हूँ, वो fresh हो रहे हैं. रोहान को भी मैंने ready कर दिया है, उसके driver अंकल बस आने वाले हैं, 7:45 हो चुके हुए हैं और उसको भी मैंने जल्दी से ready कर दिया क्योंकि वो जल्दी उठ गया था 7:30 बजे मेरे साथ ही, जब मैं उबैद का नाश्ता बनाने के लिए उठी थी. सो उसको मैंने रेडी कर दिया है. उमाइजा भी उठ चुकी है. एक्चुअली उमाइजा क्यों जल्दी उठ जाती है, क्योंकि उसके स्कूल की जो रूटीन बनी भी है ना, तो वो उसी रूटीन पे उठ जाती होती है सुबह भी. तो माशाल्लाह मुझे अच्छा लगता है कि बच्चों की रूटीन अच्छी सेट हो गई है स्कूल जाने की वजह से, तो वो लोग सुबह टाइमली खुद ही उठ जाते हैं. तो बस अभी रोहान और माइजा दोनों उठे हुए हैं, मैंने कहा आज यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि नाश्ता बना के मैं फ्री हो चुकी हूँ. बैठकर रोहान का भी मैंने रेडी कर दिया है, बस 8:15 बजे तक उसके ड्राइवर अंकल आ जाएंगे. सो अभी चलते हैं किचन में, बस वह निकलने वाले हैं. चाय बस मैंने डाली है, पराठे मेरे रेडी हो चुके हुए हैं, तो चलते हैं किचन में और मैंने कहा पहले ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं. सो चलिए जी, अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग न्यू हैं, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला करिए क्योंकि इससे आने वाले बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से व्लॉग आप लोगों को टाइम से उनकी नोटिफिकेशन मिल जाती है और आप लोग इंजॉय कर सकते हैं, आप लोगों से मिस होने के चांसेस नहीं हो सकते. तो चलिए जी, चलते हैं किचन में, जाके मैं डालती हूँ चाय और फिर तब तक उबैद नाश्ता करते हैं, फिर रोहान के ड्राइवर अंकल आएंगे, यहाँ से हमारा व्लॉग स्टार्ट हो गया. लेट्स गो. तो ये देखिए जी, यहाँ पर रुमाइजा जा रही है अपने छोटे से भाई को छोड़ने के लिए गाड़ी में, माशाल्लाह खुद ही जाती है. मुझे कहती है मम्मा आप इधर ही रुको, मैं जाती हूँ रोहान को कार के अंदर ड्रॉप करके आती हूँ, उसको बिठा के आऊँगी. तो देखिए जी, अभी माइजा उसको बिठा रही है और अभी इसने उठते ही पहले ड्रेस चेंज किया है कि मम्मा मैंने रोहान को बाहर छोड़ने जाना है. बाय, आज आज बाय बाय, चलें आ जाए बेटा, आ जाए माइजा, आ जाए बेटे, लेट्स गो, कम कम कम. उसको पीछे से करती रहेगी भाई जब तक वो टर्न नहीं ले लेंगे आगे से. ये देखिए जी, इसमें भी सेल डालनी है. अभी टाइम हो रहा है 8:35 और बाहर भी सेम टाइम है 8:35, उधर भी यही हो रहा है. और यहाँ पे जो है उमाइजा, मेरे बच्ची की फैशन ज़रा चेक करें, बाहर जाते हुए इतने ड्रेस चेंज कर लिया था और अभी पता है इतने सैंड के साथ प्ले करना, तो दोबारा से नाइट ड्रेस में आ गई कि मेरा ड्रेस डर्टी ना हो जाए. रोहान जाता ही गया है और इसने कल रात को ये नई चीज़ लेकर आई है सैंड, और अब उसने वो स्टार्ट कर दिया. ये देखिए जी, इसके काम, ये सैंड है इसकी. हाँ जी, प्ले कर रही हैं सुबह सुबह, गन मारने लगी हैं. ये देखें जी, ये है सैंड बच्चों की. शो कराओ, हाँ करो ब्रेक, ब्रेक करो. ये देखें, ये देखें, इसको मैंने नीचे शोपर रख दिया ताकि मैंने कहा कि कोई ख़राब ना हो, नीचे ना गिरे, वरना बहुत इसको वाइंड अप करते करते टाइम लग जाता है. इतनी क्लीनिंग के बाद भी बच्चे जब गंद मारे ना तो बहुत गुस्सा आता है वैसे. ये देखें, चलिए जी बैद नाश्ता कर गए हैं, ये पराठा रखा हुआ इन्होंने मेरे लिए, लेकिन मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा और मैं पीऊँगी अपनी चाय. चाय पीते हैं और उसके बाद फिर ये उठा लेती हूँ मैं. चलें जी. मामा, जी या आई विल प्ले विद यू, श्योर. फर्स्ट आई विल डू माई होमवर्क, या आई विल डू ऑल माई हाउस होल्ड चोर्स एंड देन आई विल प्ले विद यू. ओके, नो सैंड, आई डोंट लाइक सैंड. चलें जी, कल लॉन्ड्री की थी, वो कपड़े भी उतारने हैं. जी बेटे, हाँ ओके जी, ओके. ये सामने अभी सारे, अभी मैं बहन का चाय पी लूँ तो उसके बाद ही फिर क्लीनिंग की तरफ आती हूँ, वाइंड अप करती हूँ सारी चीज़ें. हाँ जी बेटे, हाँ हाँ जी जी. ये देखें, ये इसने ये ब्लॉक बनाया है, ये देखें स्मॉल ब्लॉक. हाँ चल प्ले करो मेरा बेटा. अभी मैं मगरिब की नमाज़ पढ़ के आई हूँ और वैद भी आ चुके हैं. मैं मुझे कह रहे हैं कि मैं अंदर चीज़ें वगैरह लेकर आया हूँ, चिकन और मटन वगैरह, तो उसको जाके कर लो असेंबल, उसके पैक्स बना लो. तो जानमाज को रखते हैं और जाते हैं किचन में, जल्दी से सारा कुछ रखते हैं, असेंबल करते हैं, पैक्स बना के फ्रिज में रखती हूँ जो जो चीज़ें वैद लेकर आए हैं. ये देखें जी, अभी वैद लेकर आए हैं मटन और चिकन भी ले आए हैं. चिकन मैंने रख दिया फ्रिज में, उसके सेपरेट सेपरेट ही होते हैं वो, हर मुर्गी अलग अलग शॉपर में होती है, लेकिन मटन जो है वैद एक साथ ही सारे शॉपर में करवा के ले आते हैं. तो अभी मैंने इनके पीसेस कर लिए हैं, पीसेस नहीं मीन्स पैकेट्स जो है वो बना लिए हैं और ये शॉपर में फेंक देती हूँ अभी. तो ये देखिए इस तरह, ये हमारे मेरे पास है ये रोल, शॉपिंग बैग का रोल होता है, तो इसमें देखिए कट करके, तो ये देखिए मैंने ये सारे शॉपर्स बना लिए हैं इसके. ये मटन है और ये यहाँ पे कीमे के भी, कीमे के दो बन गए हैं पैकेट.
सो बस इसको जाके अंदर वाले फ्रिज में रखती हूँ। इस वाले फ्रिज में तो इधर जगह ही नहीं है, तो इसमें जो है वो जो पाकिस्तान से भी आया था मक्खन जो मामा वगैरह लेकर आए थे, कुछ मटर वगैरह कुछ मैंने फ्रीज़ की हुई चीज़ें ये देखें, और इधर ये मेरे मैंगोज़ फ्रीज़ हुए हुए हैं, वो चीज़ है ये मक्खन मामा लेकर आई थी थोड़ा, और ये मम्मा ने फाल से मेरे लिए फ्रीज़ किए हुए थे पाकिस्तान में, ये वो हैं। यहाँ पे मैंने ये जो दिन फ्रीज़ किया था क्या कहते हैं उसको, ये वो है टमाटर, टमाटर का पेस्ट है यहाँ पर, और इस साइड पे ये मैंने चिकन रख ली है, ये है और एक ये चिकन है, ये बच्चों के बाकी स्टफ्स पड़े हुए हैं यहाँ पर सारे, तो इसलिए यहाँ पे इस फ्रिज में तो जगह नहीं है, तो इसको जो है उधर जाके उस वाले फ्रिज में मैं रख के आती हूँ। चलिए नेक्स्ट मॉर्निंग, अस्सलामुअलैकुम करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का आगाज़ नमाज में पढ़ चुकी हूँ जुमे की, और अभी मैंने यहाँ पे रख दी है चाय, चाय बनने लगी यहाँ पे। यहाँ पे उबैद बना रहे हैं मज़ेदार सा सालन, ये देखिए जी ये है मटन कढ़ाई बन रही है यहाँ पर, और मैं अभी बनाने लगी हूँ यहाँ पराठे। तो चलिए जी बनाते हैं पराठे। बेसिकली जो है फ्राइडे होता है तो आपको पता हम लेट उठते हैं, तो अभी टाइम हो रहा है नमाज वगैरह पढ़ के, तो उसके बाद मैंने थोड़े बर्तन धोए थे और अभी 3 बज रहे हैं, तो जल्दी से पराठे बनाते हैं तो इधर सालन भी रेडी हो जाएगा और फिर हम लोग इन्जॉय करेंगे। चलिए जी चलते हैं अपने पराठों की तरफ। मुझे याद आया कि मक्खन तो था ही नहीं, वो फिनिश हो गया था, एक मक्खन जो मम्मी ने भेजा था वो फिनिश हो गया। अभी ये मैं ओपन कर रही हूँ दूसरा मक्खन, तो मैंने मुझे याद ही ना ऊपर फ्रीज़र में पड़ा हुआ था, चलिए अभी निकालते हैं और थोड़ी मेहनत पिशाई करके तो इसको इसके पराठे बनाते हैं। अभी तो वैसे बर्फ़ जमी हुई है सारी, लेकिन फिर भी जब 5 मिनट बाहर रहेगा तो थोड़ा सा ना उसके अंदर मॉइस्चर पैदा हो जाएगा तो खुद ही निकल आएगा। ये आ गया मेरा बेटा। हाँ जी क्या है ये, व्हाट इज दिस? दिस इज बटर, इट्स नॉट एन आइसक्रीम, ये है बटर। तो ये देखिए शेफ साहब आ गए हैं हबी। तो ये देखें जब ये इसको खोलते हैं और फिर नो बेटा इट्स बटर, बेटा इट्स बटर, इट्स बटर मेरी जान। नो ऊपर से आइसक्रीम बनी हुई उसको देख के कह रही है आइसक्रीम है। अभी मैं खोलती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। नो इट्स नॉट। मैंने दूध भी डाल लिया है चाय में और यहाँ पे मेरा ये भी ओपन हो चुका है, ये देखिए जी ताज़ा ताज़ा मक्खन। चलिए जी इसको ऐसे ही अभी रहने देते हैं ताकि जो है ना इसका मॉइस्चर इसमें पैदा होगा तो ये खुद ही जो है थोड़ा सा नरम हो जाएगा तो टूटने में आसानी हो जाएगी, अभी बहुत सख्त है ये। फिर हमारे गर्मा गर्म पराठे, साथ ये सालन मटन कढ़ाई, साथ ये चाय, इधर भी चाय। हम लोग नाश्ता वगैरह करके फ्री हो चुके हैं, सो अभी हम जा रहे हैं बाहर। बाहर क्यों जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह कहीं जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं वो आपको मैं बताऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। सो उसी के लिए हम जा रहे हैं बाहर शॉपिंग करने के लिए, कुछ थोड़ी बहुत इनके सामान होना ज़रूरी है, और वहाँ पर थोड़ी ठंड भी है, सुनने में आया है कि वहाँ सर्दी भी पड़ रही है, सो इसीलिए मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में रिवील करूँगी कि हम किधर जा रहे हैं। तो चलिए जी अभी हम चलते हैं बाहर। इस व्लॉग को मैं इधर ही एंड करूँगी, नेक्स्ट व्लॉग बाहर जाके स्टार्ट करूंगी और फिर साथ आपको शॉपिंग भी दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में और बताऊंगी भी कि हम लोग किधर जा रहे हैं। सो इस वाले व्लॉग को करते हैं इधर ही एंड, और अब आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट बहुत ही खूबसूरत से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी फैमिली के साथ दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह, बाय बाय।